मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। दोस्तों, जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराइए मत, बल्कि उनसे प्रेम करिए, क्योंकि ये मुसीबतें ही हैं जो आपके अंदर के स्वरूप को निखारती हैं। जिस दिन खत्म हुआ ये सफर संघर्ष का, अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाएंगे। ऐसा होगा फिर मेरी जिंदगी का रसूख कि सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको सपने देखना है या सपने पूरे करना है। दोस्तों, कई लोग बड़ी चीज करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई बड़ी चीज करनी हो तो उसके प्रयास भी बड़े बड़े होते हैं। वो सोचते हैं कि सीधा तोप ही चलाना है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जैसे बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन सकता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और दोस्तों, किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इसलिए जिंदगी को अगर बेहतर तरीके से जीना है तो दूसरों की नहीं बल्कि खुद की सुनिए। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिस तरह थोड़ी सी हवा से आग भड़क उठती है, उसी तरह थोड़ी सी मेहनत से किस्मत चमक उठती है। इसलिए निरंतर परिश्रम करते जाइए, क्या पता किस वक्त आपका समय आ जाए। बेशक अभी रास्ता बहुत मुश्किल है, मगर याद रखना आपकी मंजिल भी बहुत खूबसूरत होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी मुस्कुराहट आधे से ज्यादा गमों को अपने आप खत्म कर देती है, और चेहरे पर मुस्कान होने से कोई भी काम आसान हो जाता है। संघर्ष करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। ये जीवन आपका है, और ये आपको ही तय करना है कि आपको इसे कैसे जीना है। जीवन में जितनी अहमियत सफलता की है, उतनी ही अहमियत हमारे संबंधों की भी है। इसलिए हमें अपने संबंधों और सफलता को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, सफल होने का अर्थ केवल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और ढेर सारे पैसे कमाना नहीं है, बल्कि असल मायने में आप सफल तब होंगे जब आपके कोई काम करने से इस दुनिया में 1% भी सकारात्मक बदलाव आए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और दोस्तों, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आप निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में एक